सो विल हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी द शैडो लाइंस, जिसको अमिताभ घोष जी ने लिखा है। सो इस वीडियो में मैं इसी नोवेल के एक क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करूंगी, एंड द क्वेश्चन इज दैट डिस्कस द शैडो लाइंस एज अ पार्टीशन नोवेल। किस तरह से हम लोग शैडो लाइंस को एक पार्टीशन नोवेल कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। द शैडो लाइंस इज अ हिस्टोरिकल एंड साहित्य अकेडमिक अवार्ड विनिंग नॉवल विच इज़ रिटन बाई इंडियन राइटर अमिताभ घोष। सो ये जो नॉवल है द शैडो लाइंस, ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है और एक काफ़ी पॉपुलर नॉवल है, जिसके लिए अमिताभ घोष को साहित्य अकेडमिक अवार्ड भी मिल चुका है। और जो अमिताभ घोष है वो एक इंडियन राइटर है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन इंग्लिश फिक्शन। और इंडिया में इन्होंने जो जितने सारे भी जो इंग्लिश के फिक्शन लिखे थे, उस वर्क के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। He is also considered a post-colonial novelist in India. इनको जो है वो इंडिया में एक post-colonial novelist भी consider किया जाता है। The novel Shadow Lines is most renowned novel which is published in 1988. ये जो novel है The Shadow Lines, ये एक popular and famous novel है जिसको 1988 में publish किया गया था। The novel is translated into Gujarati by Shalini Topiwala. इस novel को जो है वो गुजराती language में translate भी किया गया है Shalini Topiwala के द्वारा। द नोवल इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक द स्वदेशी मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वार, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड कम्युनियल राइट्स ऑफ 1963-64 इन ढाका एंड कैलकटा। सो ये जो नोवल है उसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकड्रॉप्स को, मतलब जो भी हमारे इंडिया में इवेंट्स हुए थे, हिस्टोरिकल इवेंट हुए थे जिसने जो है हमारे इंडिया के नींव को हिला के रख दिया, उसी के बैकड्रॉप्स को हम लोग देखेंगे, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वार, पार्टीशन ऑफ इंडिया, कम्युनियल राइट्स जो कोई ढाका और कैलकटा में हुआ था। सो इसी के बैकड्रॉप्स के ऊपर इस नोवेल को सेट किया गया है। द नोवेल डील्स विद द मोस्ट करेंट सेंसिटिव इशूज सच एज द पार्टीशन राइट एंड वॉर। ये जो नोवेल है द शैडो लाइंस, इसमें मोस्टली जो है वो एक सेंसिटिव इशूज़ को डिस्कस किया गया है, उससे डील किया गया है। और वो क्या है, तो वो है पार्टीशन को लेकर के, राइट्स को लेकर के एंड वॉर को लेकर के। ये तीन चीज़ को रिलेट करके जो है हम लोग इस शैडो लाइन में पूरी तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट, एज वी नो दैट पार्टीशन मीन्स डिवीजन एंड सेपरेशन ऑफ इंडिया विच इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्टीशन मीन्स क्या होता है, डिवीजन और सेपरेशन। और यही डिवीजन और सेपरेशन जो है वो इंडिया का हुआ था 1947 में, जो कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया के हिस्ट्री में जो है एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए। पार्टीशन नोवेल डिस्क्राइब द डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ विक्टिम ड्यू टू द हॉरर ऑफ पार्टीशन, फोर्स्ड माइग्रेशन एंड देयर साइकोलॉजिकल वुंड। सो बेसिकली जो पार्टीशन नोवेल होते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो स्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस को देखा जाता है, स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस जो विक्टिम होते हैं उनका एक्सपीरियंस को देखा जाता है कि किस तरह से जो है वो पार्टीशन के बाद जो उनका कंडीशन हुआ था वो कैसा था। फिर उन लोगों को जो है पार्टीशन के दौरान माइग्रेट होकर के वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना पड़ता है, ये देखा जाता है। और उनका जो भी उनके साइकोलॉजिकल वुंड मीन्स होता है, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स पे जो चोट पहुंचती है कि कई जगह पे वो एक कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं और सडनली उन्हें वो प्लेस चेंज करना पड़ा, तो उनके माइंड पे एक इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यही होता है पार्टीशन नोवेल, जहाँ पे हम लोगों को जो है वो हॉरर ऑफ पार्टीशन को देखा जाता है, माइग्रेशन को देखते हैं और साइकोलॉजिकल वुंड को देखा जाता है वहाँ के लोगों को, वहाँ के नेटिव को। सो ये होता है पार्टीशन नोवेल। और इसी तरह का जो नोवेल है, जैसा कि शैडो लाइन नोवेल्स हैं, तो ये जो नोवेल है अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखा गया, ये पार्टीशन के थीम को कैप्चर करता है विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय मिडिल क्लास बंगाली नरेटर, जिसको जो है एक मिडिल क्लास बंगाली नरेटर ने जो है बहुत ही अच्छी वे में इस नोवेल में प्रेजेंट किया है। सो ये जो जैसा स्टोरी है द शैडो लाइन पार्टीशन को लेकर के, सिमिलर स्टोरी हम लोग जो है वो देख सकते हैं टोबा टेक सिंह में, उसमें भी सेम जो है सिमिलर काइंड ऑफ थीम को जो है वो डिस्कस किया गया है। तो आप लोग जो है वो क्रॉस जो रेफरेंस होता है उसमें, उस जो टोबा टेक सिंह है उसका यूज़ कर सकते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के लिए।
नेक्स्ट द शैडो लाइंस इज अ पार्टीशन नॉवल बिकॉज इट डील्स विद सेपरेशन. द नैरेटर रिकॉल्स द मर्डर ऑफ हिज अंकल त्रिदीप एसेसिनेटेड बाय अ मॉब ऑफ एंग्री मुस्लिम्स ड्यूरिंग द 1964 ढाका राइट्स. सो ये जो शैडो लाइंस है ये पार्टीशन नॉवल है एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जिसमें हम लोग जो है वो सेपरेशन को देखेंगे कि किस तरह से ये जो नॉवल है वो सेपरेशन से डील करता है, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो नैरेटर है वो अपने अंकल जिनका नाम त्रिदीप रहता है उनके मर्डर को वो याद करते हैं कि कैसे एक गुस्से वाला मुस्लिम जो मॉब का ग्रुप था उन्होंने अटैक कर दिया था उन लोगों के ऊपर, जिसके वजह से जो उनके अंकल है उनका डेथ हो गया था. कब? तो ड्यूरिंग 1964 इन ढाका राइट्स. ढाका में जो है इनके अंकल जो नैरेटर है उनके अंकल त्रिदीप का जो है मर्डर हो गया था राइट के दौरान में. The novel is divided into two parts called Going Away and Coming Home, where we see the traumatic life of a family in Calcutta and Dhaka in 1964 when a member of the family, Trideep, was killed in a communal riot. So, ये जो novel है, The Shadow Lines, इसको दो part में divide किया गया है. पहला part Going Away और दूसरा part जो है वो Coming Home है, जहाँ पे हम लोग जो है वो एक family का traumatic life को, problematic life को देखेंगे कलकत्ता में और ढाका में 1964 के दौरान में, जब उसी फैमिली का एक मेंबर जिसका नाम त्रिदीप रहता है उसको कम्युनियल राइट्स के दौरान मार दिया जाता है, उसका मर्डर हो जाता है. एंड रोबी, माया देवी, मे, ग्रैंडमा आर आल्सो ट्रैप्ड इन द मॉब वॉयलेंस ऑफ ढाका. और उसी फैमिली के और भी कुछ मेंबर जैसे कि रोबी, माया देवी, मे एंड ग्रैंडमा, ये चार लोग भी जो है वो उसी मॉब वॉयलेंस ऑफ ढाका में जो है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं. द फर्स्ट सेक्शन गोइंग अवे मीन्स गोइंग अवे फ्रॉम सेल्फ. सो अब हम लोग फर्स्ट सेक्शन को डिस्कस करेंगे एंड देन जो है वो सेकंड सेक्शन को डिस्कस करेंगे. तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो गोइंग अवे है, जिसका मतलब क्या होता है कि गोइंग अवे फ्रॉम सेल्फ, यानी कि जो नैरेटर है वो अपने होम टाउन से जब बाहर जाते हैं अब्रॉड दूसरे जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है कैसा कंडीशन था आउटसाइड का उसको वो डिस्क्राइब करते हैं. तो इसी सेक्शन का नाम रखा गया है गोइंग अवे मीन्स गोइंग अवे फ्रॉम द सेल्फ. द नैरेटर डिस्क्राइब्स दैट माया देवी वेंट टू इंग्लैंड विथ हर हस्बैंड एंड सन त्रिदीप वेयर दे वर द विक्टिम विटनेस ऑफ लंडन ड्यूरिंग द डेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939. तो यहाँ पे जो नैरेटर है वो डिस्क्राइब करते हैं कि माया देवी जो है वो इंग्लैंड गई अपने हस्बैंड के साथ में और उनके साथ उनका बेटा त्रिदीप. यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया कि जो नैरेटर है वो नैरेटर के अंकल का नाम यहाँ पे त्रिदीप हो गया. तो जो माया देवी अपने हस्बैंड और अपने एक सन जिनका नाम त्रिदीप है उनके साथ वो लोग जो है वो इंग्लैंड गए थे, जहाँ पे वो तीनों जो है यानी कि माया देवी, उनके हस्बैंड और त्रिदीप, ये तीनों जो है वो क्या हुए थे, लंदन में जो है वो विटनेस हुए थे, गवाह हुए थे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का राइट्स वहाँ पे फैला हुआ था 1939 में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसी के दौरान ये गए थे और वहाँ पे जो वो देखे थे उसको उन्होंने जो है वो देख करके वो लोग शॉक हो गए थे. दे सफ़र फ्रॉम द हैंड ऑफ वॉयलेंस एंड क्रुएलिटीज ऑफ वॉर. वो जो तीनों हैं वो वॉयलेंस के शिकार हुए थे और क्रुएलिटी ऑफ वॉर को उन्होंने बिल्कुल एक करीब से देखा था लंदन में. माया देवी एंड हर हस्बैंड विथ देयर 8-year-old सन त्रिदीप हैड स्टे विथ मिसिस प्राइस अ फैमिली फ्रेंड इन लंदन इन 1939 फॉर अ वाइल ईयर व्हेन द वॉर हैड स्टार्टेड. सो ये जो है माया देवी वो अपने हस्बैंड के साथ और अपने सन त्रिदीप जो कि उस वक्त केवल 8 साल का था उनके साथ वो लोग जो है वो लंदन गई थी 1939 में अपनी एक फैमिली फ्रेंड जिनका नाम मिसेस प्राइस है उनके यहाँ पे वो लोग रह रहे थे जिस वक्त जो है वो वॉर स्टार्टेड हुआ था. और वहीं रह करके इन लोगों ने जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो सीन था उसको जो है अपनी आँखों से देखा था. इवन त्रिदीप ने भी उस चीज़ को जो है वो देखा था जब वो केवल 8 ईयर्स ओल्ड था उस समय. त्रिदीप हैड टोल्ड द नरेटर अबाउट देयर लाइफ एंड क्रुअलिटी ऑफ वॉर. और जब त्रिदीप रिटर्न आया वहाँ लंदन से तब यहाँ आकर के इन्होंने कलकत्ता में जो है वो अपने हम लोग कह सकते हैं कि अपनी लाइफ के बारे में जो है वो नैरेटर को वो बताता है और किस तरह से वो क्रुएलिटी ऑफ वॉर वहाँ पे देखा था, कैसा सिचुएशन था, उस सिचुएशन को भी वो नैरेटर के साथ शेयर करता है. नेक्स्ट इन द सेकेंड सेक्शन ऑफ द नॉवल
कमिंग होम मीन्स कमिंग बैक इन द सेल्फ। तो जो सेकंड सेक्शन है नोवेल का वो कमिंग होम है, इसका मतलब कि जो यहाँ पे वापस अपने कंट्री में आ जाना, अपनी नेटिव प्लेस पे आ जाना। घोष रिटर्न्स टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू कैलकाटा एंड ढाका। यहाँ पे जो राइटर है वो वापस अपने कैलकाटा और ढाका के सिनेरियो को इंडिकेट करेंगे और इसीलिए इन्होंने इस सेक्शन का नाम रखा है कमिंग होम। एंड द नैरेटर रिवील द ग्लोरी डिटेल ऑफ द 1964 राइट्स। और इस सेक्शन में हम लोग जो है वो ढाका में जो 1964 में जो राइट हुए थे, दंगे फसाद हुए थे, उसके ग्लोरियस डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। द नैरेटर डिस्क्राइब द वॉयलेंस इन कैलकाटा ऑन 10 जनवरी 1964। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो नैरेटर है वो हमारे सामने कैलकाटा में जो वॉयलेंस हुआ था 1964 में उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, जहाँ पे वो बताते हैं कि मोब्स इन कैलकाटा वेंट एक्सेसिव थ्रू द सिटी किलिंग मुस्लिम्स एंड बर्निंग एंड लूटिंग देयर हाउस। जहाँ पे जो कैलकाटा में जो मोब थे, जो दंगे फसाद करने वाले लोग थे, वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में थे और वो लोग जो है वो मुस्लिम को जो है वो किल कर रहे थे, मार रहे थे, जगह जगह आग जला रहे थे, लूट कर रहे थे घरों में जाकर के रॉबरी कर रहे थे। द पुलिस हैड टू ओपन फ्री ऑन मॉब एंड कर्फ्यू वॉज फिक्स्ड ऑन द सिटी। जो पुलिस है वो भी जो है वो बिल्कुल खुले में जो है वो फायर कर रही थी मॉब के ऊपर में और चारों तरफ जो है सिटी में कर्फ्यू लगा दिया गया था। द पुलिस कुड नॉट ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। पुलिस जो है उस सिचुएशन को कलकत्ता में जो हो रहा था 10 जनवरी को, उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कलकत्ता पुलिस के हाथ से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था वो सिचुएशन। नोबडी नोज हाउ मैनी पर्सन डाइड इन कलकत्ता एंड ढाका। कोई भी नहीं जानता था कि कितने लोग जो है वो उस दंगे फसाद में मर रहे थे कलकत्ता में और ढाका में। द अदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो डिनोट्स दैट द नोवल इज पार्टीशन नोवल बिकॉज इट शो द सफरिंग क्रुएलिटीज ऑफ वॉर एंड वॉयलेंस। सो ये जो चीज़ है ये हमारे सामने ये डिनोट्स करती है, दर्शाती है कि ये जो नोवल है वो पार्टीशन नोवल है, क्योंकि जैसा सिचुएशन वहाँ पे दिख रहा था चारों तरफ सफरिंग क्रुएलिटीज ऑफ वॉर वॉयलेंस ही वॉयलेंस था, ये आफ्टर द पार्टीशन ही ऐसा सिचुएशन जो है वहाँ का हुआ था, जिसे इजीली हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इट वाज दिस टाइम दैट त्रिदीप एंड अदर्स वर इन ढाका। ये वो समय था जब त्रिदीप और जो और लोग थे वो लोग ढाका में थे। ग्रैंड माँ माया देवी रोबी मे एंड त्रिदीप हैड गोन टू विजिट द एंसेस्ट्रल हाउस सो दैट दे कुड ब्रिंग देयर एज्ड अंकल जेठा मोसाई टू इंडिया। एक्चुअली में हुआ क्या था, वो लोग ढाका क्यों गए थे जबकि वो लोग कलकत्ता में रहते थे, तो क्योंकि जो माया देवी है उनके एक अंकल जिनका नाम रहता है जेठा मोसाई, वे जो है वो ढाका में थे, उन्हीं को लाने के लिए जो है ये सारे लोग गए थे, जिनमें रोबी मे माया देवी त्रिदीप और जो ग्रैंडमा है वो इतने सारे लोग जो है वो ढाका में गए थे अपनी एंसेस्ट्रल हाउस में सो दैट दे कुड ब्रिंग देयर एज्ड अंकल जेठा मोसाई टू इंडिया। व्हेन दे रीच देयर द ओल्ड लाइंस अपीयर टू बी नॉर्मल। जब वहाँ पे पहुँचे तो जितनी सारी भी जो वहाँ की जो पुरानी लाइन होती है, मतलब रास्ते होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे। हाउ एवर वाइल रिटर्निंग दे फेस्ड अ वॉयलेंट मॉब। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से लौट रहे थे अपने एज्ड अंकल के साथ में, उसी वक्त जो है उनके ऊपर जो है एक वॉयलेंट और एंग्री मॉब ने अटैक कर दिया। मॉब अटैक्ड द ड्राइवर एंड अदर्स। ड्राइवर के ऊपर भी अटैक किया और दूसरे मेंबर के लोगों के ऊपर भी अटैक किया। इन दिस सिचुएशन खलील जेठा मोसाई एंड त्रिदीप वर डायर्ड। इस सिचुएशन में खलील कौन है, तो जेठा मोसाई का जो है वो हम कह सकते हैं उसकी देखभाल करने वाला, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हु वॉज खलील। तो जेठा मोसाई की जो देखभाल करता है वो है, वो मर गया जेठा मोसाई, उनके अंकल मर गए और उसी में जो है वो त्रिदीप भी डायड हो गया, वो भी मर गया। द हॉरर ऑफ द एक्ट वॉज ब्रांडेड विथ फायर ऑन द मेमरी ऑफ मे प्राइस एंड रॉबी हु सॉ द होल थिंग्स। और ये जो हॉरर का एक्ट था, ये जो है वो मे प्राइस और रॉबी, इन दोनों ने जो है अपनी आँखों से वहाँ पर जो है वो डायरेक्ट उसके विटनेस हुए थे, जिसे देख करके वो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो शॉक हो गए थे। इन दिस वे वी कैन से दैट हाउ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एट टाइम्स लीड टू कल्चरल डिफरेंस विच इन टर्न क्रिएट हेट्रेड अमॉन्ग पीपल। सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किस तरह से जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है उस समय, यानी कि जो लाइन खींची गई है दो देशों के बीच में, वो किस तरह से जो है वो दो लोगों के बीच में डिफरेंस लाता है, दो देश कंट्री के बीच में डिफरेंस लाता है, इवन कल्चर के भी बीच में डिफरेंस लाता है। और यही चीज़ जो है वो धीरे धीरे लोगों में नफरत
नफरत को फैला देता है। द नोवल फोकस द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द कंसिक्वेंट ट्रामा ऑफ द ईस्ट बंगालीज। सो इस तरह से ये जो नोवल है हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था उसके ऊपर जो है मेनली फोकस करता है, और पार्टीशन के बाद जो लोगों में ट्रामेटिक सिचुएशन हुए थे उससे डील करता है। थम्मा द नरेटर्स ग्रैंड मदर बिलोंग टू द जेनरेशन दैट हैड टू अपरूटेड इन 1947। थम्मा कौन है? तो ये नरेटर्स की ग्रैंड मदर है, यानी कि नरेटर्स की दादी है, जो उस समय से बिलोंग करती है जब जो है वो पार्टीशन हुआ था, और पार्टीशन के दौरान ही ये जो है थम्मा जो है वो अपरूटेड होकर के यहाँ इंडिया में यानी कलकत्ता में रहने के लिए आई थी। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द नोवल बिलोंग्स टू द पार्टीशन नोवल। सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नोवल है वो पार्टीशन नोवल है, क्योंकि जब थम्मा जो है वो अपरूटेड होकर के पार्टीशन के दौरान 1947 में कलकत्ता में आई थी, उसी वक्त से जो है वो स्टोरी जो है वो डील करती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है वो उसके बाद आफ्टर पार्टीशन राइट्स फैला था कलकत्ता में, ढाका में, कितने सारे लोग मरे थे, वॉयलेंस था चारों तरफ, जो खून खराबे, लूट, सब चीज़ बढ़ रहे थे। सो इस तरह से ये नोवल पूरी तरह से जो है वो पार्टीशन से रिलेट है, पार्टीशन से डील करती हुई नोवल है, एंड ये 100% हम इसे एक पार्टीशन नोवल कंसिडर कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर इजीली समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।